एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड 2023 6 नवंबर 2022 में आपका जो एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यूज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ओके, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम लोग क्या यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो आंसर क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पाइथन, सेकेंड है यहाँ पे C++ एंड थर्ड क्या दिया हुआ है जावा, एंड हमारे पास फोर्थ क्या आ जाएगा यहाँ पे पास्कल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, पाइथन, C++, जावा और पास्कल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डी, डी इज द करेक्ट आंसर क्या, पास्कल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है क्या, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बिच निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो यहाँ पे कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर। तो आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रिंटर हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है एंड कीबोर्ड भी हमारे पास क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस है। ओके, हम चलते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े आकार का शक्तिशाली बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर है जो समवर्ती कार्यक्रमों का समर्थन कर सकता है, मेनीफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स या फिर वर्क स्टेशन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कौन से बड़े आकार का शक्तिशाली बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर है, मेनीफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, मेनीफ्रेम कंप्यूटर, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, पहले आविष्कार किए गए डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, फर्स्ट इन्वेंटेड डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, बताइए, EDBAC, ENIAC आएगा या फिर सुपर कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ENIAC। तो बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इन्वेंटेड डिजिटल कंप्यूटर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ENIAC। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ब्राउजर नहीं, मोजिला भी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोर भी ब्राउजर है, इंटरनेट गूगल भी क्या ब्राउजर है। तो सॉरी, गूगल यहाँ पे ब्राउजर नहीं है, ये हमारा एक क्या सॉफ्टवेयर टाइप में आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्रोम भी हमारे पास क्या ब्राउजर है। एग्जीक्यूटिव फाइल में उपयोग किया जाने वाला एक्सटेंशन क्या है, वॉट इज द एक्सटेंशन यूज इन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो जो एग्जीक्यूटिव फाइल में उसमें हम जो उपयोग किया जाने वाला एक्सटेंशन क्या, .txt या फिर .ppl या फिर क्या जाएगा .pdf या फिर .exe। तो एग्जीक्यूटिव फाइल में उपयोग किया जाने वाला एक्सटेंशन हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, .exe, डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो हम एग्जीक्यूटिव फाइल में यूज करते हैं एक्सटेंशन, उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ASCII इज द कैरेक्टर इन कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो व्हाट द सेकंड रिप्रेजेंट, तो इसमें सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल इंटरशिप, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन को या फिर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को या फिर इनपुट इंटरनेशनल को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ASCII इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए चरित एनकोडिंग मार्क्स में सेकंड क्या शो कर रहा है, तो सेकंड क्या शो कर रहा है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को खाली स्थान, ये हमारे पास होगी स्प्रेडशीट, इसमें जो प्रत्येक बॉक्स है हमारे पास तो खाली स्थान के रूप में नामित किया जाता है, रो के रूप में, कॉलम के रूप में या फिर सीट बोलते या फिर इसको सेल बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कि जो स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स होते हैं इसको किसके रूप में नामित करते हैं, यहाँ पे बॉक्स, सॉरी सेल के रूप में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड निर्भर करती है, द प्रोसेस स्पीड ऑफ द कंप्यूटर,
पावर सप्लाई पे, क्लॉक पल्स पर, पेरिफेरल इंटरफेस पर, या फिर ट्रांसमिशन साइज पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्लॉक पल्स पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लॉक पल्स पर क्या निर्भर करती है। ओके, फाइल संरचना जो शून्य के आधार पर अपना पहला रिकॉर्ड फिर से परिभाषित करती है, खालिस्तान शब्द का उपयोग करती है, रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन, की फील्डिंग, डायनेमिक एलोकेशन, या फिर हेजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि फाइल संरचना जो शून्य के आधार पर अपना पहला रिकॉर्ड फिर से परिभाषित करती है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्षरों के ग्रिड पर एक अक्षर को डबल क्लिक करने के बाद कुंजी पटल शॉर्टकट स्पेस बार का उपयोग हम किस लिए करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्षरों की ग्रिड पर एक अक्षर को डबल क्लिक करने के बाद कुंजी पटल शॉर्टकट स्पेस बार का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। मूव टू द फर्स्ट कैरेक्टर, मूव टू द लास्ट कैरेक्टर, स्विच बिटवीन एनलार्ज एंड नॉर्मल मोड व्हेन अ कैरेक्टर इज सिलेक्टेड, या फिर डिलीट द कैरेक्टर। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब एक कैरेक्टर का चयन किया जाता है तो विस्तारित तो सामान्य मोड की भी स्विच करने ओके। बिजली विफलता के कारण सिस्टम विफलता निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। द सिस्टम फेलियर ड्यू टू पावर फेलियर इज कंसीडर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, हार्डवेयर रिएबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिएबिलिटी, सिस्टम रिएबिलिटी, या फिर ऑपरेशन रिएबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा यहाँ पे, हार्डवेयर रिएबिलिटी। ओके, वायरस सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है, वायरस सिग्नेचर इज यूज फॉर वर्क के लिए, इनपुट द वायरस के लिए, डिटेक्ट द वायरस के लिए, या फिर आइडेंटिफाई द वायरस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वायरस सिग्नेचर इज यूज फॉर आइडेंटिफाई द वायरस, वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो गाइस आज के हमने यहाँ पे 6 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 की जो यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो हम लोग सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।